राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का जो अनुमान लगाया गया था वह बिल्कुल सही साबित हुआ। दिवाली की रात से हवा खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई। राजधानी की आबोहवा में चारों ओर धुंध की चादर देखी जा सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दिवाली के बाद गुरुवार को दिल्ली की हवा खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। इसका सबसे बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर पटाखों को छुड़ाया जाना है। दिवाली की रात शीर्ष अदालत की गाइडलाइन का उल्लंघन कर लोगों ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमकर पटाखे फोड़े, जिससे हवा में प्रदूषण का स्तर अचानक चरम पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 999, अमरीकी दूतावास चाणक्यपुरी में 459 और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में AQR 999 तक पहुंच गया। पर्यावरण मंत्रालय की माने तो प्रदूषण का यह स्तर खतरनाक समझा जा सकता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली की आबोहवा काफी खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई थी। आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने दिवाली त्योहारी सीजन को लेकर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही आतिशबाजी करने की अनुमति दी थी। अदालत में अपने आदेश में स्पष्ट रूप से ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री की अनुमति का जिक्र किया था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्रीन पटाखों में अपेक्षाकृत कम रोशनी और आवाज होती है। इसके साथ ही इनमें रासायनिक पदार्थ भी कम मात्रा में होते हैं। मयूर विहार एक्सटेंशन लाजपत नगर, लुटियंस दिल्ली, IP एक्सटेंशन आनंद विहार, IT और जहांगीरपुरी समेत द्वारका नोएडा सेक्टर 78 समेत अन्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के बाद इन इलाकों में प्रदूषण का बेहद उच्च स्तर दर्ज किया गया।